हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि ग्रो ऐप से हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, यानी ग्रो ऐप से हम काफ़ी पैसा कमा सकते हैं, इवन हम अपने पैसे को दोगुना भी कर सकते हैं एक साल के अंदर। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो काफ़ी कमाल का है। इस वीडियो को आप आखिर तक देखेगा, पूरा देखेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि हम ग्रो ऐप का इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसके अंदर हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि इसके ग्रो ऐप के अंदर ओवरव्यू सीख लेते हैं पूरा, कि इसके अंदर क्या क्या होता है, कहाँ पर कौन सी चीज़ होती है और ये ग्रो ऐप किस काम आती है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ग्रो ऐप का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम लोग। आप यहाँ पे देखें, ग्रो ऐप हमने ओपन कर ली है। आप देखें यहाँ पे एक्सप्लोर का बटन आ रहा है, होल्डिंग्स और ये कुछ वॉच लिस्ट आ रही हैं। इसका मतलब ये होता है, एक्सप्लोर का मतलब ये होता है कि आपका ये ग्रो ऐप का होम पेज आ रहा है। होल्डिंग मतलब जहाँ पर हमने अपना पैसा लगा रखा है, हमने स्टॉक को बाय कर रखा है, वो होल्डिंग हमारी यहाँ पर आती है, सेक्शन में आती है, इस वाले सेक्शन में। मोस्ट बॉट ऑन ग्रो, यानी कि ग्रो ऐप के ऊपर, ग्रो ऐप पर कौन कौन से स्टॉक लोग ज़्यादा बाई कर रहे हैं, आप उनको यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपके प्रोडक्ट एंड टूल्स हैं, यहाँ पे गेनर्स एंड लूजर्स हैं, यानी गेनर्स का मतलब कि आज के दिन कौन कौन से स्टॉक हैं जिन्होंने गेन किया है और कौन कौन से स्टॉक हैं जिन्होंने लूज़ किया है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर, ठीक है। इसके बाद में हम टॉप इंट्राडे के लिए कौन से स्टॉक्स हैं, स्टॉक के न्यूज़ में आजकल कौन से चल रहे हैं, वो स्टॉक की बात हो रही है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। ये आपकी कुछ आपके क्या हैं, आपके यहाँ पर वॉच लिस्ट हैं और यहाँ पे आप कुछ इंडेक्सेस हैं आपके, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे बॉटम की बात कर लेते हैं। बॉटम में आप देखेंगे म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। बॉटम में आप देखेंगे म्यूचुअल फंड, ये अभी हमने स्टॉक की बात की थी। और किसी स्टॉक को मैं सर्च करना है तो आप यहाँ पर स्टॉक को सर्च कर सकते हैं, और उस स्टॉक को बाई वगैरह करना है तो आप यहाँ पर बाई और सेल कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड सेक्शन पर आते हैं, तो म्यूचुअल फंड के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से ये म्यूचुअल फंड सेक्शन का क्या है, एक्सप्लोर है, यानी कि होम पेज है, डैशबोर्ड है, यानी कि हमारा हमने कहाँ कहाँ पे SIP कर रखी है या कहाँ पैसा लगा रखा है, वो सारी चीज़ आप यहाँ इसके अंदर देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हाई रिटर्न की, अगर हम बात कर लेते हैं तो हाई रिटर्न बात करेंगे यहाँ पर। हाई रिटर्न पर क्लिक कर दिया हमने यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो उन्होंने अच्छे रिटर्न दिए हैं वो वाले म्यूचुअल फंड्स हैं। तो देखिए, पिछले 3 साल के अंदर देखिए जो परफॉर्मेंस दी है, या आप देखेंगे कि आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड ने 42.79% का रिटर्न दिया है, यानी कि 42.79% रिटर्न दिया है। मतलब 3 साल के अंदर आपको 42% एवरेज कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिला है, कंपाउंडेड मतलब चक्रवर्ती ब्याज आपको मिला है। अगर इसी चीज़ को हम कर देंगे 5 ईयर के लिए, तो 5 ईयर में देखिए कितना मिला है। 5 ईयर में आपको देखिए आदित्य बिरला लाइफ, उसको अभी 5 साल हुए नहीं, इसके लिए यहाँ पर डिटेल आ नहीं रही है। अगर आप 1 साल देखेंगे तो इस फंड ने पिछले 1 साल के अंदर ही 96.14% का रिटर्न दिया, यानी कि अगर आपने इस फंड के अंदर 1 साल पहले पैसा लगा दिया होता 1 लाख रुपये, तो आज उसकी वेल्थ हो गई होती 1,96,000 समथिंग, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा करके पैसा कमा सकते हैं। हालांकि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा, कर लीजिएगा, थोड़ा सीख लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेक मनी MRK को। मेरा एक दूसरा चैनल है मेक मनी MRK, वहाँ पर मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपको सारी जानकारी बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड में मैं पैसा कहाँ पे लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, किस फंड के अंदर पैसा लगाना, कब लगाना चाहिए, ठीक है ना, सारी चीज़ें बात करता हूँ। आप सेकंड म्यूचुअल फंड देखेंगे, इन्वेस्टको इंडिया PSU इक्विटी फंड है, जिसके अंदर 97.49% का रिटर्न मिला है इसके अंदर। तो इसी तरीके से क्या होता है कि इसके अंदर आप अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, ठीक है ना, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं, SIP जिनके अंदर हम 500 रुपये से कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंड होते हैं, इनके अंदर आप पैसा लगा करके अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इसके अंदर ये वाली बात हो गई। तो यानी कि इसके अंदर मान लीजिए अगर आप ग्रो ऐप से पैसा बनाना चाहते हैं तो हम स्टॉक की बात कर लेते हैं, तो हम कोई एक स्टॉक ओपन कर लेते हैं, जैसा कि अदानी पोर्ट ओपन कर लेते हैं सीखने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इस स्टॉक को बाई करना है, ठीक है ना, अदानी पोर्ट एंड स्पेशलाइज कॉलोनी जोन, इसको मैंने ओपन कर लिया है। मेरा आपको सिखाने का मतलब है, उद्देश्य है कि आपको मैं ये कुछ सिखाऊं समझाऊं, मेरा ये नहीं है कि आप अदानी पोर्ट को जाके बाई कर लीजिए। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि आप जैसे इस स्टॉक को पैसे लगाते हैं तो हमारी पैसे की कमाई कैसे होती है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे 1 डे का चार्ट आ रहा है, 1 वीक का, 1 मंथ का, 1 ईयर का, 5 ईयर का एंड 10 ईयर ऑल का कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 वीक के अंदर परफॉर्मेंस क्या हुई है, आपको 1 वीक के अंदर 4.31% की ग्रोथ इसके अंदर मिली है। 1 महीने पहले पैसा लगाया होता तो आपको 8.92% की ग्रोथ मिली है। अगर 1 साल पहले पैसा लगाया होता तो पैसा आपका जस्ट डबल हो गया होता। आप देख सकते हैं यहाँ पे 98.18% का रिटर्न मिला है पिछले 1 साल के अंदर।
पिछले 5 साल की बात करेंगे तो 268% का रिटर्न मिला है आपको, देखिए। और पिछले अगर ऑल की बात कर लेते हैं यानी कि यहाँ पे कितना आ रहा है, पिछले 2007 की बात कर लेते हैं, अगर 2007 से अगर आज की बात हम करेंगे तो 840% का रिटर्न मिला है। मतलब हमारा पैसा कितना हो गया, 8.5 गुना के करीब हमारा पैसा हो गया। अगर आपने 1 लाख रुपये लगाया होता तो आपका 9.5 लाख रुपये की वेल्थ आपके अकाउंट में होती, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है कि पैसा हमें क्या लगाना है, जब पैसा आपका नीचे होता है कंपनी में तब लगाना है, और जब पैसा बढ़ जाता है तो हम इस स्टॉक को बेच करके हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए होती कैसे हैं कि हमें कंपनी को देखना पड़ता है कि भाई किसी कंपनी के अंदर पैसा लगाना है, किसके अंदर पैसा नहीं लगाना है, कौन सी कंपनी ग्रोथ कर रही है, कौन सी ग्रोथ नहीं कर रही है। जब कंपनी ग्रोथ करती है तब हम उसके अंदर पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले बेहतर कंपनी के अंदर पैसा लगाना होता है। अगर हम बेहतर कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं तभी हमारा पैसा बनता है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट काफ़ी ऊपर है, अब हमें इस स्टॉक के अंदर पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, ये कई सारी चीज़ें होती हैं जो समझनी पड़ती हैं, किस कंपनी के अंदर पैसा लगाना है, किसके अंदर नहीं लगाना है, फंडामेंटल्स देखने पड़ते हैं, टेक्निकल एनालिसिस देखनी पड़ती है, तभी हम डिसाइड करते हैं कि किस कंपनी के अंदर पैसा लगाना है, किसके अंदर नहीं लगाना है। अब ये चीज़ सीखना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके क्वेश्चन पूछिएगा, जिससे कि हम आपको बताएंगे किस कंपनी के अंदर पैसा लगाना है, किसके अंदर नहीं लगाना है, सिखाएंगे आपको चीज़ें प्रॉपर तरीके से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसके अंदर मार्केट में पैसा कमाते हैं। अब आपको एक और स्टॉक दिखा देता हूँ, जैसे कि टाटा पावर्स है, स्टॉक बहुत सारे हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें पैसा हमेशा लगाना है अच्छी कंपनी के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर ग्रोथ होती है। अब टाटा पोटर पावर्स में हम देखेंगे, हालांकि मैंने भी टाटा पावर के अंदर पैसा लगा रखा है, ठीक है ना, एक अच्छी खासी एंट्री ले रखी है मैंने इसके अंदर। आप इसके अंदर देखें 1 वीक के अंदर क्या है, इसके अंदर नुकसान हुआ है। 1 मंथ की देखेंगे तो आपको 0.25% का रिटर्न मिला है ओनली। अगर 1 साल की बात करेंगे तो 1 साल पहले पैसा लगाया होता है इस कंपनी के अंदर तो आज आपका पैसा 99% पैसा आपका हो गया होता है, जस्ट डबल पैसा हो गया होता। पिछले 5 साल की बात करेंगे तो 600% यानी कि आपका 6 गुना पैसा हो जाता है आपका। और पिछले ऑल टाइम की बात करेंगे, देखिए ऑल टाइम यानी कि आपने अगर ये पैसा लगाया होता आपने 2003 के अंदर, जो कि 12 रुपये का शेयर था, कितना 2003 के अंदर 12 रुपये का शेयर था, यानी कि आपका पैसा करीब करीब आपका पैसा 38 गुना हो जाता। यानी कि आपने 2003 के अंदर आपने 1 लाख रुपये लगाया होता इस कंपनी के अंदर तो आज आपका पैसा कितना हो जाता, आपका 38 लाख रुपये हो जाते। तो ये शेयर मार्केट की पावर होती है, एक बार पैसा लगा दीजिए भूल जाइए अच्छी कंपनी के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं, जैसे कि बहुत सी कंपनियां क्या होती हैं, पैसा आपका जूरो भी कर देती हैं। आपको अच्छी कंपनी के अंदर पैसा लगाना है और वहाँ से आपका पैसा बनता है, ठीक है। अब मान लीजिए इस स्टॉक को बाई करना है मुझे, सपोज दैट, मैं आपको एग्जांपल के तौर समझाने प्रयास कर रहा हूँ, इसमें आपकी कोई, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आपको इसी स्टॉक को बाई करना है, ठीक है ना, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब आपको बाई करना है तो देखिए यहाँ पे बाई बटन आ रहा है, आपको बाई पे क्लिक करना होगा, बाई पे आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद में आपके पास ऑप्शन आते हैं डिलीवरी, इंट्राडे और MTF। आप डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आपको होल्ड करके रखना है, इंट्राडे मतलब आपका होता है कि आज ही के आज आपने चीज़ों को बाई किया, फिर आज ही उसको सेल कर देंगे यानी पोजिशन को क्लोज कर देंगे। चूंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो हम क्या करेंगे, डिलीवरी को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी यानी कितना बाई करना है आपको, 1 शेयर बाई करना है, 2 करना है, 10 करना है, कितना करना है आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। 10 डाल दिया मैंने, यहाँ पे आ रहा है प्राइस, ये प्राइस आ रहा है यानी कि एट मार्केट मतलब ये होता है कि आपका ऑर्डर एक्सचेंज पे जाएगा तो जो भी प्राइस चल रही होगी आपका तुरंत स्टॉक बाई हो जाएगा। नहीं तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप लिमिट ऑर्डर डाल सकते हैं। लिमिट का मतलब ये होता है कि आपका अभी शेयर का प्राइस चल रहा है, मान लीजिए 444 रुपये समथिंग चल रहा है, आप चाहते हैं कि 440 पे आ जाएगा ना तब मैं इसको बाई करूंगा। 440 पे बाई करेंगे तो आपने 440 डाल दिया यहाँ पर, और क्या करते हैं आपने ऑर्डर डाल दिया मान लीजिए तो 440 अगर आपका स्टॉक का प्राइस आ गया तो बाई हो जाएगा, नहीं आया तो 3:30 बजे आज कैंसिल आपका ऑर्डर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ये अमाउंट इन अवेलेबल अमाउंट इज नॉट इनफ, यानी कि मेरे को रिक्वायरमेंट चाहिए 4409 रुपये की, क्योंकि 10 शेयर बाई कर रहा हूँ मैं तो 4000 तो चाहिए, लेकिन बैलेंस कितना है, 0 रुपीज़ है। तो आप क्या करेंगे, इस एड मनी पे क्लिक करेंगे, एड मनी जो आ रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे, और एड मनी पे क्लिक करके आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर पैसा ऐड कर लेंगे, जो भी आपको अमाउंट ऐड करना है 2000, 5000, 10000 जितने भी आपको ज़रूरत है उतना ऐड करके आप पेटीएम जो आपने अकाउंट ऐड कर रखा हुआ आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और ऐड मनी क्लिक करके आप UPI के जरिए या किसी ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए अपना पैसा इसके अंदर ऐड करके आप अपने स्टॉक को बाई कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही आप बाई कर लोगे तो आपका यहाँ पे दिखाएगा कि आपका जैसे होल्डिंग दिखा रहा है ना, होल्डिंग दिखा रहा है, मान लीजिए आज आपने बाई किया है तो आज ही आ जाता है, एक बगल में आ जाएगा यहाँ पे पोजिशन, एक टैब आ जाएगी पोजिशन की, ठीक है। पोजिशन क्या आ जाएगी, पोजिशन के अंदर दिखाएगा,
और कल फिर वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, पोजीशन को ख़त्म हो जाएगी वो पोजीशन, और वो फिर आपकी होल्डिंग में दिखाना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से हम ग्रो ऐप के जरिए हम पैसा कमा सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको अच्छी अच्छी कंपनियाँ ढूंढनी है जिनके अंदर प्रॉफिट है, जिनके अंदर ग्रोथ है। अगर हम देखिए SBI की बात कर लेते हैं, अभी रिसेंटली ऐसे SBI ने काफ़ी अच्छे वर्क किया है। SBI बैंक की बात कर लेते हैं तो देखिए इसके अंदर देखिए पिछले 5 साल की ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 5 साल के अंदर कितना बेहतरीन रिटर्न मिला है। एक तरह से पैसा भी सेफ हमारा सुरक्षित रहता है और पैसा भी काफ़ी ग्रो हुआ है इसके अंदर। तो दोस्तों पैसे से पैसा बनता है, पीछे बस आप मार्केट में सीखिए चीज़ों को। अगर आपको स्टॉक में पैसा लगाना है या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, पैसे में मार्केट में पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, इनमें रिस्क होता है। थोड़ा सा रिस्क लोगे तो आप पैसा भी करना स्टार्ट कर दोगे। अगर रिस्क नहीं लेना है तो फिर FD करके मस्त आराम से अपने जीवन को चलने दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर और भी जानकारी चाहते हैं चैनल पर, आप और भी कुछ सीखना चाहते हैं कि पैसे से पैसा कैसे कमाना है, तो आप हमसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँच जाएंगे और आप काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, गुड बाय।